जैसलमेर में पोकरण के गोमट गांव के पास एक कार और पिकअप की भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक कार में सवार एक शिक्षक और एक जलदाय विभाग का कर्मचारी और साथ ही एक सेवानिवृत्त शिक्षक पोकरण से सादा गांव जा रहे थे। इसी दौरान गोमट गांव के पास सामने से आ रही एक पिकअप गाड़ी से उनकी भिड़ंत हो गई, जिससे कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और इसी दौरान यहां से निकल रही बीएसएफ के जवानों की गाड़ी ने घायलों को पोकरण के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जोधपुर के लिए रेफर किया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से दूर कर यातायात को सुचारू रूप से शुरू करवाया गया।